तीन, पहले प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा पास्ट और फिर फ्यूचर। फिर इनके चार भाग होते हैं, पहला इंडेफिनिट, फिर दूसरा कंटिन्यूस, ये लिखा अपने कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और फिर अगला होता है परफेक्ट और ये लिखा कंटिन्यूस, परफेक्ट और ये परफेक्ट। तो जैसे यहाँ लिखा प्रेजेंट, पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। तो तीन ये, चार ये, टोटल टेंस कितने हो जाते हैं? टोटल टेंस कितने होंगे? क्योंकि तीन इसके, तीन इसके और तीन वर्ब के अकॉर्डिंग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा फोर्थ, फोर्थ फॉर्म मतलब आई, ये लिखा मैंने वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आई। जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए वो दिया गया टेंस कौन सा माना जाता है? कंटिन्यूस। कौन सा मानोगे? कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस का कौन कौन सा होता है? सबसे पहले अपन ने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है इज, एम और ये लिखा, इसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है हैज बीन और ये लिखा हैव बीन। इसके बाद फिर अपन ने अगला लिखा पास्ट और ये कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस अपन ने लिखा वॉज और ये लिखा वर। फिर इसके बाद अपन ने लिखा पास्ट परफेक्ट और ये लिखा कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है हैड बीन। क्या आप नहीं कह सकते कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट होता है पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट? तो जैसे इजमार है, इजमार का पास्ट हो जाएगा वॉज वन, हैज बीन और हैव बीन का पास्ट क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? फिर इसके बाद अपन ने अगला लिखा फ्यूचर और ये लिखा कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब विल बी और ये लिखा सेल बी। इसके बाद फिर अपन ने अगला लिखा फ्यूचर परफेक्ट और ये लिखा कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये होगा विल हैव बीन और फिर इसके बाद शैल और ये लिखा हैव और ये लिखा बी। जहां पर की परफॉर्म होती है वो टेंस कहलाता है कंटिन्यूस का और कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कुल मिला के कंटिन्यूस नाम आता है। ऐसे टेंस कितने होते हैं? छह। कितने टेंस होते हैं? छह। तो 12 में से 6 टेंस तो ऐसे टेंस होते हैं जिसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है और जिन्हें अपन क्या कहते हैं? तो 12 में से 6 गए कितने बचे? फिर इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये लिखा मैंने वर्ब की थर्ड, ये लिखा मैंने वर्ब की, जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है आती है वो टेंस कहलाता है परफेक्ट। कौन सा टेंस? परफेक्ट। अब परफेक्ट का कौन कौन सा होता है? सबसे पहले अपन ने लिखा प्रेजेंट, ये लिखा परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और ये लिखा हैज और फिर अपन ने आगे लिखा पास्ट और ये लिखा परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड। फिर अपन ने आगे लिखा फ्यूचर और ये लिखा परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है विल हैव और ये लिखा शैल है। ऐसे कुल मिला के कितने टेंस होती है? तीन। कितने टेंस होते हैं? तीन। यानी 12 में से 9 टेंस को ऐसे टेंस होते हैं जिसके साथ या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की, जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए वो कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा, या मैं ये कह दूं जहां कंटिन्यूस आ जाए वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीन टेंस ऐसे होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं, या मैं ये कह दूं जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होगा? या परफेक्ट टेंस को अपन किसका यूज करेंगे? 6 और 3 कितने हो गए? कितने और
का बारवा जहाँ वर्ग की प्रथम भी आती है और सातवें वर्ग की कौन सी फॉर्म आती है वो टेंस कहलाता है पास्ट हेड, क्या कहलाता है। तो मैंने इन दोनों को लिखा इम्प्योर सेंटेंस, ये लिखा मैंने इम्प्योर और इसको मैंने लिखा प्योर सेंटेंस। इम्प्योर और प्योर सेंटेंस का मतलब ये है, प्योर और इम्प्योर का मतलब केवल नाम के लिए लिखा समझाने के लिए, बात बात इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये केवल ये दो मीनिंग से हमें ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि कैसे इसका यूज कर रहा है बस, बाकी रियल नहीं है होगा क्या। तो जैसे मैंने कहा ये वर्ग की पशु, अगर यहाँ वर्ग की पशु तो वर्ग की पशु ही है और कुछ नहीं, अगर अपन को यूज करना है तो वो है तो वो ही आएगा और इसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ हटाना। अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में कभी तो वर्ग की पशु आती, कभी वर्ग की पशु ही आएगी लेकिन आवश्यकता अनुसार उसके साथ क्या आएगा एस या एस, यानी वर्ग की पशु के साथ एस एस चल रहा। फिर इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ग की पशु तो आती है लेकिन साथ में क्या भी रहती है वो कैसे। अगर दिया गया सेंटेंस सिंपल हो, कैसा हो सिंपल, तो वर्ग की कौन सी फॉर्म। अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो जाए तो वर्ग की कौन सी फॉर्म, इसलिए मैंने इसको इम्प्योर कहा। बाकी सबको क्या कहा कि टोटल टेंस कितने हैं 12 में से अगर अपन बात करें वर्ग की कौन क्या कहेंगे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस के कितने टेंस होते हैं